नमस्कार दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर। डीपीओ कार्यालय के सामने वाहन चेकिंग चलाया गया, इसमें कई गाड़ियों से जुर्माना वसूल किया गया। अभी तक 3,700 रुपए का जुर्माना वसूल किया जा चुका है। देखिए, ये जो वाहन चेकिंग अभियान चलता है, ये आम जनता की सुरक्षा के लिए चलता है। कई असामाजिक तत्व होते हैं जो कुछ भी ले जाकर जा सकते हैं, लेकिन इसमें होते हैं कि आम जनता को थोड़ी सी राहत भी मिलती है। हालांकि परेशानी होती है, लेकिन अगर इसी तरह कंटिन्यू जांच होती रहे तो निश्चित रूप से अपराध पर भी अंकुश लगेगा। तमाम जो सुरक्षा प्रहरी हैं यहाँ डीपीओ कार्यालय के पास, जो आज वाहन चेकिंग चल रहा है, वाहन चेकिंग चलना एक तरह से बहुत ही अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि अभियान जब चलता है ना, बहुत सारे जो असामाजिक तत्व हैं वो डर कर भागते हैं और बहुत सारे अपराध पर अंकुश लगता है। मैं मीडिया के मार्फत से आम जनता से भी अपील करना चाहता हूँ, जब भी चले हेलमेट पहन कर चले और तमाम गाड़ी के जो है कागजात वो साथ में रखें, ताकि जुर्माना से बचा जा सके। बहुत सारे जवान यहाँ उपस्थित हैं, देख रहे हैं आप, एसएएफ के जवान ये मोर्चा संभाले हुए हैं। इंस्पेक्टर झाजा पोषण चौधरी भी जुड़ रहे हैं। आज जो सर वाहन चेकिंग चलाया गया, कितना जुर्माना वसूल हुआ सर आज तक? अभी तक 4,100 रुपया हुआ। कितना सर? 4,100 हुआ है। एक तरह से ये मैंने सुरक्षा की दृष्टि से भी अच्छा माना जा सकता है सर इसको? हाँ, अपनी सुरक्षा है।